अगर मैं आपसे पूछूं रिसेंटली एक दो साल में कितने वायरस आए हैं, आपका जवाब मेनली कोरोना वायरस होगा या फिर मार्बर्ग वायरस होगा। पर नहीं, इट इज वे मोर देन वी कैन इमेजिन। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से सर्वाइव करने पर वीडियो बन रही है। ऑल्दो ये इतनी बड़ी टॉपिक भी नहीं है, पर स्टिल कई यूट्यूबर्स लाइक गौरव कटारे, बदमाश आइकन, सभी लोग आपसे इनसे बचने का प्लान शेयर करते ही रहते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों? क्यों नहीं वो भी बाकियों की तरह व्लॉग्स या फिर गेमिंग चैनल बनाने लग जाते हैं जिसमें इसके कम्पेरेटिवली काफी ज्यादा व्यूअर्स हैं। खैर, आज की ये वीडियो पुरानी वीडियो से थोड़ी अलग है और काफी डिटेल्ड है। सो मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सके तो पहले इस वीडियो को एंड तक देखो और देखने के बाद अपने फ्रेंड से भी इस वीडियो के बारे में डिस्कस जरूर करना और कमेंट में बताना कि जब तुमने इस बारे में उनसे डिस्कस किया या उनसे बात करी तो उनका इस पर क्या रिस्पॉन्स था। और इस वीडियो को उन तक शेयर जरूर करना जो आपको कभी कहते हैं कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से प्रिपेयर करने की क्या वीडियो देखते रहते हो। खैर देखो, ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी मेरे कई फ्रेंड्स ऐसा कहते थे कि क्या यार तू ज़ॉम्बीज पर वीडियो बना रहा है और यूट्यूब पर सर्वाइवल टिप्स शेयर कर रहा है, ज़ॉम्बीज वगैरह थोड़ी ना होते, व्लॉग बना, गेम खेल या फिर फैक्ट चैनल खोल के बैठ जा। और वो ऐसा कहते थे कि अगर चल मान ले ज़ॉम्बी एपोकलिप्स नहीं हुआ तो इन वीडियोस का क्या फायदा होगा, तू बस अपने वैल्यूएबल टाइम को वेस्ट कर रहा है। ज़ॉम्बी प्रिपेयर्डनेस टिप्स और प्लान्स तो तब काम आएंगे ना जब ज़ॉम्बीज आएंगे। तू बता सकता है कि ज़ॉम्बीज कब आएंगे? और अगर नहीं बता सकता तो ऐसी वीडियो बनाकर फायदा क्या है? और जैसे ही मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे ये सवाल किया, आई वॉज इन डाउट कि क्या सही में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचने के टिप्स मुझे शेयर करने भी चाहिए, क्या हमें पहले से इन ज़ॉम्बी से प्रिपेयर होकर रहना चाहिए। और मुझे एक नहीं बल्कि मल्टीपल वैलिड पॉइंट मिले। मेरे दिमाग में इन सवालों का इतना बेस्ट जवाब था कि जब मैंने अपने दोस्तों से उन वैलिड पॉइंट्स को डिस्कस किया, दे वर लाइक कि यार तेरा चैनल तो बस नाम का मनबुद्धी है पर तेरे बात में वाकई काफी ज्यादा वजन है, मतलब ही काफी ज्यादा लॉजिकल है। सो अल्टीमेटली उन्होंने मेरी बातों से एग्री किया और आज मैं उन्हीं लॉजिकल और वैलिड पॉइंट्स को आपसे शेयर करने वाला हूँ जिससे मेरे दोस्तों ने भी अब मेरी बातों पर बिलीव करना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि अगर आपको भी आपके कोई दोस्त ऐसा कहते हो कि ज़ॉम्बीज वगैरह नहीं हो सकते या फिर क्या तू ऐसी वीडियोस को देख रहा है, तो वो खुद भी ऐसी वीडियोस को देखना शुरू कर दे। तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है और मैं आज आपके सामने सारी पॉइंट्स को शेयर करने वाला हूँ। तो चलो जानते हैं कि क्या हमें ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से वाकई में प्रिपेयर करने की जरूरत है। मैंने ऐसी क्या पॉइंट्स अपने दोस्तों से शेयर करी जिसके बाद उन्हें भी मेरी बातों पर बिलीव हो गया। कैसे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स में प्रिपेयर करना वाकई में जितना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं क्यों बिलीव करता हूँ कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होगा और क्या आपको सच में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचने के लिए प्रिपेयरनेस या सर्वाइवल टाइप वीडियोस देखनी चाहिए, तो थोड़ा इंतजार करो, इन सब सवालों का जवाब देगा ये मनबुद्धि वाला। तो ये सब चीज की शुरुआत तो हुई थी SARS-CoV-2 से, यानी कि जब कोरोना वायरस 2020 में हमारे तक पहुंचा, जो कि ऐसा कहा जा रहा था कि वुहान लैब से लीक हुआ है। कई क्रेडिबल यूट्यूबर्स जैसे कि अभी एनयू और कई रेप्यूटेटेड मीडिया वेबसाइट्स लाइक NDTV, ब्लूमबर्ग और BBC ने भी इस टॉपिक को कवर किया। अभी एनयू ने तो इस चीज के पीछे का रीजन ये बताया था कि हर एक वायरस जब ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है तो बीच में एक इंटरमीडिएटरी एनिमल आता है। लाइक सार्स वायरस जब ह्यूमन में आया था तो बैट से ये सबसे पहले सिवेट नाम के एनिमल में गया एंड देन ये हम तक आया और ये डेटा 4 महीनों में अवेलेबल हो गया। उसी तरह मार्स में बैट से वायरस पहले कैमल्स में आया, कैमल्स को मिडल ईस्ट में खाते हैं इसलिए ये वायरस कैमल से ह्यूमंस तक आया और ये डेटा 9 महीनों में अवेलेबल हो गया। और मार्बर्ग वायरस भी बैट से पहले मंकी में गया था, देन ये हम तक फैलना शुरू किया। पर कोरोना वायरस के ह्यूमन में आने तक इसके बीच कोई भी इंटरमीडिएट एनिमल हम फिगर आउट अभी तक नहीं कर पाए। तो आखिर ऐसा क्यों? शायद इसके लिए क्योंकि चमगादड़ों को बदनाम करने से ज्यादा हमें चाइना को करने की जरूरत है, क्योंकि वो हमसे और पूरी दुनिया से कुछ ऐसा छिपा रहे हैं जो नहीं छिपानी चाहिए। और इनफैक्ट WHO जो कि इंफॉर्मेशन की सबसे इम्पोर्टेंट कड़ी है, उस पर भी लोगों का डाउट हो रहा है कि चूंकि चाइना उसे हर साल फंडिंग करता है और बाकी देशों से ज्यादा ही फंडिंग देता है, तो WHO चाइना के इस काले सच को हम तक नहीं आने दे रहा है। मतलब कि WHO इज काइंड ऑफ बायस्ड, और ये भी मैं नहीं बल्कि अभी ये न्यूज़ जैसे क्रेडिबल चैनल बोल रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कितने बड़े लेवल पर प्लानिंग हो रही है। खैर कोरोना वायरस से तो बस शुरुआत हुई थी, पर इसके बाद और भी 5-6 तरह के वायरस आए और अपना दबदबा हम पर बनाए रखा। पर उन वायरस के बारे में जानने से पहले यार, अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हो तो आओ यार इंस्टाग्राम पर थोड़ा बातें करते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो फॉलो कर लेना। अब कोरोना के बाद और कई वायरस आए, जैसे उसके बाद सबसे पहले 3 तरह के फंगस आए, व्हाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस। फिर हमने म्यूकोमाइकोसिस और मंकी पॉक्स वायरस को देखा जिससे पेशेंट को कुछ ऐसा होने लग जाता था जो कि देखने से काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है।
और इसके बाद मार्बर्ग वायरस ने साउथ अफ्रीका में कदम रखा और जब ये फैला तो मार्बर्ग वायरस का खतरा काफी ज्यादा था, इवन कोरोना वायरस से भी ये कहीं ज्यादा डेडली था। कैसी बीमारी है, इसके अंदर लक्षण क्या होते हैं? असल में साथियों इसमें एक शब्द यूज किया गया है कि यहाँ पर व्यक्ति जॉम्बी जैसा दिखने लगता है। और इतना ही नहीं, इसके बाद हमें साइंटिस्ट के द्वारा साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट से निकाले हुए जॉम्बीज के बारे में भी पता चला जो कि हजारों साल से डोमिनेंट पड़े हुए थे, मतलब कि हाइबरनेशन में थे। और अब इन सब के बाद कोरोना वायरस का एक और न्यू डेडली वेरिएंट ओमिक्रॉन भी फाइनली आ चुका है। और तो इस वीडियो को बनाने वक्त ओमिक्रॉन के 4 से भी ज्यादा केसेस मिल चुके हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा है। और इतना तो हम जानते हैं कि वायरस लगातार म्यूटेट करते ही रहते हैं। इन सब चीजों को अगर हम इग्नोर कर भी दें तो साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में डोमिनेंट पड़े हुए वायरस भी साइंटिस्ट को कंटिन्यूअसली परेशान किए हुए हैं क्योंकि वो हजारों लाखों साल पुराने वायरस को रिलीज करने के फेवर में कभी नहीं थे। तो खुद सोचो, क्या साइंटिस्ट सबका डरना बेसलेस है? मतलब कि क्या वो इस साइबेरियन परमाफ्रॉस्ट में दबे वायरस के पोटेंशियल खतरे से अवेयर नहीं होंगे? ऑब्वियसली उन्हें इसका पूरा आइडिया है कि इसके बाद उन्हें क्या चीजें फेस करनी पड़ सकती है। और इसी वजह से तो हमने पुराने वीडियो में यूएसए मिलिट्री के कॉन प्लान 8888 को डिटेल में समझा था और यूएसए के हेल्थ डिपार्टमेंट के ज़ॉम्बी सर्वाइवल प्लान के बारे में भी जाना था। तो यार इतने सारे चीजें बेसलेस और पॉइंटलेस नहीं हो सकती? मतलब आप क्या सुनना चाहते हो, कि इतनी सारी मीडिया वेबसाइट्स, न्यूज चैनल और यूट्यूबर सब गलत है? ऑब्वियसली नहीं, मतलब कि हो सकता है वुहान वायरस भी लैब में बना हो, हो सकता है ऐसा ना हुआ हो, पर हम इतना जरूर जानते हैं कि जिस स्पीड से तरह तरह के वायरस आ रहे हैं ज़ॉम्बी वायरस भी आना दूर नहीं है। तुम लोग अब शायद ऐसा बोलो कि यार वायरस आएंगे तो आएंगे, हमारी गवर्नमेंट हमें उनसे सिक्योर कर लेगी, हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है। और डेफिनेटली गवर्नमेंट इन वायरस को तो नहीं फैलने देगी, पर ट्रस्ट मी, अब जो आगे पॉइंट में आपसे शेयर करने वाला हूँ वो और भी काफी डिस्टर्बिंग है। तो देखो, आप सब जानते हो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। शायद आपको पता हो हमारी पृथ्वी पर सिर्फ 10 बिलियन लोगों की रहने की जगह है, मतलब कि हमारी पृथ्वी सिर्फ 10 बिलियन लोगों को ही संभाल सकती है और अभी हम ऑलरेडी 8 बिलियन के करीब हैं। हम जानते हैं अभी से ही कई जगह साफ पानी वगैरह मिलना मुश्किल है। अब जरा ऐसा सीनरी इमेजिन करो जब ये आंकड़ा बढ़ करके 10 बिलियन के करीब पहुंच जाएगा तो इसके बाद क्या होगा आप सोच भी नहीं सकते। सबको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, ना सिर्फ रहने की बल्कि खाने पीने की भी। और ये प्रॉब्लम हमें तो होगी पर साथ साथ इसका इफेक्ट जो सुपर पावर कंट्री और अमीर लोग हैं उन्हें भी दिक्कत होगी। तो आपको पता है वो बड़े सुपर पावर लोग या वैसी एवल गवर्नमेंट क्या करेंगी? आप बिलीव नहीं करोगे, हो सकता है वो एक एक करके जो पुअर और वीक फैमिली है या फिर जो ऐसी कम्युनिटी है जो काफी ज्यादा पॉवर्टी लाइन के क्लोज है उसे एलिमिनेट करने लगे, या ऐसा भी हो सकता है कि जो गरीब लोगों की कम्युनिटी है वो कम्प्लीटली उन्हें ही हटाने लगे। और ये सब चीजें वो खुलेआम तो करेंगे नहीं, तो उन्हें जरूरत होगी ऐसे ही किसी वायरस की जिसे वो इंटेंशनली रिलीज करेंगे, जिसे जहाँ जहाँ क्राउडेड प्लेस होंगे लाइक स्लम या फिर झुग्गी बस्ती वगैरह जिसमें हमारी एक्चुअल जनसंख्या रहती है, जहाँ हमारी इंडिया का दिल है, वो लोग उस जगह में ही ऐसे वायरस को रिलीज कर देंगे जिससे हमारी पॉपुलेशन खत्म होने लगेगी। एंड व्हाट कुड बी बेटर देन अ ज़ॉम्बी वायरस जो वीक लोगों को खुद एलिमिनेट करने लगे, जिससे पॉपुलेशन कम होगी और पावरफुल लोग आराम से बंकर या सिक्योर्ड और प्रोटेक्टेड जगह पर किसी आइलैंड पर रहेंगे। तो ऐसे में कोई भी गवर्नमेंट जिसे वीक और गरीब लोगों को एलिमिनेट करने से इतना फायदा होगा तो वो हमें आखिर सिक्योर ही क्यों करेंगी? हाँ, हो सकता है वो ऐसा प्रेटेंड करे कि वो हमें सिक्योर कर रही है, पर सच इससे काफी अलग होगा। अब यार डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ऐसा गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि ये कब होगा या फिर ऐसा होगा ही होगा। मैं भगवान नहीं हूँ और ना ही मैं कोई एविल या शैतानी गवर्नमेंट हूँ, तो मुझे इस बात का आइडिया फिलहाल नहीं है, पर हो सकता है कि ऐसा जल्दी हो। एंड व्हेन आई से जल्दी आई मीन काफी ज्यादा जल्दी, शायद अगले साल या शायद अगले 3 साल में, पर इसका एग्जैक्ट डेट बताना थोड़ा मुश्किल है। और चलो ऐसा मान भी लेते हैं कि ऐसा जैसा हमने सोचा है वैसा ना हो, मतलब कि गवर्नमेंट हमें सिक्योर करे या फिर ज़ॉम्बी एपोकलिप्स नहीं हुआ, तब पर भी कुछ भी सीखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो समझने से पहले अगर वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो यार लाइक कर दो, एम करते हैं 2000 लाइक्स का, और सब्सक्राइब भी कर देना। मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप में से 56% लोग वीडियोस देखते हो पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार कर दो, तुम्हारे पैसे नहीं लगने वाले। बैक टू ए टॉपिक, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूएसए मिलिट्री के कॉन्प्लान 8888 में मेंशन है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की प्रिपेयर्डनेस हमें सर्वाइवल के और भी डिफरेंट एस्पेक्ट से इंट्रोड्यूस करती है, मतलब कि सर्वाइवर्स को और क्रिएटिव सोचने पर मजबूर करती है। तो आप समझ ही सकते हो कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से प्रिपेयर करना कितना ज्यादा जरूरी है। और मैं जिस तरह से वीडियो बनाता हूँ आई कंसिडर एवरी पॉसिबल सिनेरियो, एंड मैं तो कहूँगा कि यार जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी अवेयर हो सके, और अगर आपने पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो उन्हें भी चेक कर लो जिसे जब एक्चुअल में नीड हो देन यू गाइस कैन होल्ड अप टुगेदर। बाकी मैं ट्राई कर रहा हूँ एक ऐसे सर्वाइवल गैंग को बिल्ड करने की, मतलब कि एक ऐसी टीम बिल्ड करने की जो कि ऐसे सिचुएशन में हेल्प कर सके। सो यार हो सके तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, जैसे जैसे हम बड़े होंगे तो हमारी टीम भी बड़ी होगी।
और यार आप खुद सोचो कि अर्थक्वेक में कैसे सर्वाइव करना है, ये हम अर्थक्वेक के बाद सीखते हैं? नहीं, हम उसे अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के आने से पहले सीखते हैं। हमें कैसे बाढ़ से या तूफान से या फिर सुनामी से बचना है, ये हम उनके होने के बाद सीखते हैं? नहीं। तो क्या हम ज़ॉम्बी से और ज़ॉम्बी वायरस से कैसे बचना है, ये ज़ॉम्बीज के आने के बाद सीखेंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो जब हमारी लाइफ स्टेक पर है, यानी जब जिंदगी की बात है, सर्वाइव करने की बात है, देन हमें कुछ बेहतर सीखने में क्या ही अर्ज है? तो देखो, एक दो नहीं बल्कि कई सारे ऐसे रीजंस हैं जिससे ज़ॉम्बी एपोकलिप्स वाकई में हो सकता है और जिससे ज़ॉम्बीज का फ्यूचर में होना पॉसिबल है। और अगर ऐसा कुछ सिर्फ कुछ महीनों में या कुछ सालों में ही होता हुआ दिख जाए तो मैं तो सरप्राइज बिल्कुल नहीं होने वाला। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसकी अभी हम सिर्फ बात कर रहे हो एक्चुअली में कोई शैतानी खोपड़ी वाला साइंटिस्ट या वायरोलॉजिस्ट या फिर कोई गवर्नमेंट इस पर सीक्रेटली और साइलेंटली काम भी कर रही हो, बिल्कुल अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की तरह, जो कि एकदम से फटेगा और उसके बाद फिर आपको प्रिपेयर करने का टाइम भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर है हम पहले से इन चीज़ों को लेकर रेडी रहें, क्योंकि बाद में कहीं हम लेट ना हो जाए। एंड यू वोंट बिलीव, मेरे पास कुछ ऐसे रेयर क्लिप्स और फुटेज हैं जिसको आप भी देखोगे तो आपको बिलीव होगा कि ज़ॉम्बीज एग्जिस्ट करते हैं। पर उसको मैं अपने दूसरे चैनल स्पूकी फिनिक्स पर तभी अपलोड करूंगा जब उस पर 500 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। सो छोटी सी टारगेट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल का मिल जाएगा, तो यार जाकर सब्सक्राइब कर देना। उस पर जनरली भूतों और आत्माओं की फुटेज होती है। खैर, अगर आप यहां तक वीडियो को देख लिया है, कमेंट में प्रिपेयरिंग लिख देना। वैसे ये तो बात रही ज़ॉम्बी एपोकलिप्स से बचने की तैयारी हमें करनी चाहिए या नहीं, पर अगर आपको रशिया में डोमेंट पड़े मतलब कि हाइबरनेशन में पाए गए ज़ॉम्बी वायरस के बारे में जानना है जो अगर रिलीज हो गए तो बवाल हो सकता है, तो लेफ्ट राइट पर क्लिक करके देख लेना।